अभी आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्वेलरी है और आप तो पहनती भी नहीं है, तो क्या करना है आपने लेकर? रोज पहनती हूँ क्या मतलब? ये देखो, तो बोर हो गई हूँ इससे, मैंने सोचा था कि ये चेंज अच्छा लगेगा। सिप्तैन भाई कहीं नहीं जा रहे, अभी उन्हें फिलहाल बख्शते हैं। मेरी शादी है, मुझे शॉपिंग करने दें। और अगर आप अभी ये लेंगी तो उन्हें लगेगा कि शायद ये भी मैंने लिया है। इतना एहसास है तो फिर तुम अपनी शॉपिंग कम करो ना। तुम नहीं देख रही, ये छठा सेट है। मुझे अपनी मदर इन लॉ के लिए ये लेना है। क्यों, ये दिखाएं। ज्वेलरी क्यों दे रहे? तीन तीन डिजाइनर सूट दे रहे हैं ना, वो तो तुम्हारा ब्राइडल भी नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो भी हम करके दे रहे हैं, तो फिर ज्वेलरी तो नहीं बनती। आप ही वो मेरे ससुराल वाले हैं, मुझे पता है उन्हें सोना देना है, चांदी देनी है, डायमंड देना है, तो अभी प्लीज मुझे लेने दे। आप ही वैसे मेरा मशवरा माने तो आप भी शादी कर लें, शायद आपकी कड़वाहट खत्म हो जाए। जितनी तेज तुम्हारी जबान चलती है ना, काश तुम्हारी अकल भी चलती। खुद तो उस फुकरे के खानदान में शादी कर रही हो, अंधे कुएं में छलांग मार रही हो, मुझे भी वही तजवीज दे रही हो। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सो गई, तुमसे बहस भी करो, तुम्हारे साथ शॉपिंग भी करो, अब मैं घर जा रही हूँ, चलो। अभी शॉपिंग हुई कहाँ है, अभी से शॉपिंग करनी है। सजीला बाजी को कॉल करती हूँ, जितनी देर में वो आएंगी उतनी देर हम शॉपिंग कर लेते हैं, बाकी उनके साथ कर लूँ। जो तुम्हारा दिल चाहे कर लो, और ये सजीला का रोब ना मुझ पर डालो, समझ आई तुम्हें? सीने लगे सिपते है ना, ये सिपते है? सिप्तैन भाई लग रहे हैं, लेकिन साथ लड़की। तो लड़की कौन है? जल्दी जल्दी जल्दी, साथ में साथ में। सिप्ते को कॉल करो। जी मजाक बनाया है, कि लड़कियों का भी समझ नहीं है। लग तो कोई लड़की रही थी, वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन कौन है? जी आप ही, सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक होती तो मैं तुम्हें क्यों डिस्टर्ब करी होती। अच्छा, मेरी तो अनम ने मत मार दी है शॉपिंग कर करके। मैं चाह रही थी कि तुम मुझे घर छोड़ दो और उसके बाद ये सजीला के साथ कर सकती है शॉपिंग। तुम कहाँ हो? आप भी, अभी तो मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग के बाद आपको फिर पिक कर लेता हूँ, ठीक है? चल, थैंक यू, कह रहा है कि मीटिंग में, ये दिन दहाड़े गाड़ी में लड़की के साथ कौन सी मीटिंग है? तुमने खुद ही तो ये बात एडमिट की है कि वो बहुत प्यारी और इंटेलिजेंट है, तो इतनी प्यारी लड़की की जिंदगी में कोई ना कोई तो लड़का आया होगा। I'm so sorry. तो यहाँ का ट्रैफिक, so sorry about that. आपकी फिर बात हो गई यासर से? जी, मतलब मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि यासर ने आपको फोन किया था ना, शायद किसी मैच की परमिशन के लिए, राइट? जी, हो गई बात, बस कुछ बातें अपनी मन वाली, कुछ उसकी माननी। नहीं, अच्छा किया आपने। तो भाई आपका एक ही? जी, एक ही भाई है, इसलिए दादो से लेकर हया तक सबकी नजर उस पे होती है। ये हया कौन? हया मेरे से छोटी वाली बहन है, तो छोटी मगर सबकी दादी है। यहाँ तक कि मेरी इस जॉब के लिए परमिशन भी सबसे उसी ने ली थी। अम्मी तो बिल्कुल राजी नहीं थी इस जॉब के लिए, और मैं भी चुप करके बैठ गई थी। तो फिर आप हया को मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिए। जी, मेरा मतलब कि आपकी जिंदगी के बाकी फैसले भी हया ही करेगी ना? अगर वो मेरी जिंदगी के फैसले कर भी लेती है तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो मुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छे से जानती है। इतना सा हेलो, क्या हो गया यार तुम्हें? मुझे लगा मुझे देख के तुम ज्यादा एक्साइटेड होगे। कैसी हैं? हाँ, आप नहीं, महक हूँ मैं, और तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। मैं तो इस मीटिंग के लिए अपने मैनेजर को भेजने वाली थी, फिर मैंने तुम्हारा प्रोफाइल देखा, मैं तो खुद सरप्राइज हो गई। फिर तो आना बनता था। हैट्स ऑफ टू यू, जिद्दी तो तुम शुरू से थे, पर इस जिद में थोड़ा क्रेडिट मेरा भी है। कंग्रेचुलेशंस, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए।
Congratulations to you too. ये मर्जर बहुत मुबारक हो. मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था तुम्हें. तो सरप्राइज होना एंजॉय करो ना. खुश होने पे कोई टैक्स है? तुम नहीं कर पाओगे. मेरे ख्वाब और उनकी ताबीर तुमसे नहीं होगी. चैलेंज कर रही हो? हाँ, क्यों नहीं. और अगर मैं बाजी जीत गया तो क्या होगा? महक, हारे भी तो बाजी मात नहीं. वाह, ये कलर अच्छा लगता है तुम पे, पहना करो. एक नंबर फॉरवर्ड कर रही हूँ. मुझे उसके अगेंस्ट सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, फैमिली, रिलेटिव्स, सब. क्या? सर, आपने मीटिंग में ये क्यों कहा कि मैं इस प्रोजेक्ट को लीड कर रही हूँ, जबकि मैं तो इब्रार साहब को असिस्ट कर रही हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए? मरियम, आपको इतराज किस बात पर है? इस प्रोजेक्ट का लीड डिजाइनर होने पर कि इब्रार साहब को असिस्ट करने पर? नहीं सर, मैं बस कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं तो इस कंपनी में जूनियर आर्किटेक्ट के तौर पे आई हूँ. मरियम, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ. आप मेरी फर्म में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं जो कि हेरिटेज रेनोवेशन एक्सटेंशन का प्रोजेक्ट है. अगर आपको उस पे लीड डिजाइनर होने पर एतराज है और आप हमेशा जूनियर रहना चाहती है तो अलग बात. नहीं सर, आई एम सॉरी, आई विल टेक माय वर्ड्स बैक. वैसे मुझे आपकी आज एक बात बहुत अच्छी लगी है. शुक्र है आपको मेरी कोई बात बेहतर तो लगी. आप अपने एम्प्लॉयज को काफी रिस्पेक्ट देते हैं और मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं आपके साथ काम कर रही हूँ. इनफैक्ट हम सबके लिए, और मैं ये बात जाके सबको बताऊँ. वैसे सबको बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक वो ऑलरेडी जानते. कुछ बातें बिना कहे भी समझ जाते हैं मरियम, तो मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती जा रही हो. पता नहीं मैं ये बात तुमसे कब कह पाऊंगा. जो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट पर फैसला लेने में सेकंड नहीं लगा था, अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत फैसला लेने में मुझे इतनी देर क्यों लग रही है? सर, वो मिस महक. हाँ, वो यूनिवर्सिटी में साथ थी मेरा. फिर तो आपको उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई होगी. आपको क्या लग रहा है? सर, आप इतने एक्सप्रेसिव हैं नहीं, इसलिए गेस करना मुश्किल है. काफी लेट हो रहा है, मुझे आपका इस तरह कैब में इस वक्त जाना मुनासिब नहीं लग रहा. सर, मुझे यूं आपके साथ जाना मुनासिब नहीं लगेगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो मुझे आप लोगों की लॉजिक समझ में नहीं आती. आधी रात को आप कैब ड्राइवर के साथ चली जाएंगी लेकिन मेरे साथ जाने. सर, आपकी गाड़ी में और कैब में हैसियत का बहुत फर्क है. आपकी गाड़ी से उतरूंगी तो लोगों की नजरों में मेरे लिए सवाल होगा. फेयर इनफ, बात तो आपकी ठीक है, पर आप वेट कर लीजिएगा, आइए. हाँ, रह गया ये कैब वाला. हद होती है भाई, तो सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं. मेरे सिग्नल्स भी अभी जाने थे मेरे. किधर है ये? मैं क्या करूंगी, मैं घर कैसे जाऊं? या अल्लाह. मरियम, क्या हुआ है? सर, मेरा मोबाइल ले गया. ओह, यू ओके? मैं घर कैसे जाऊं? आप ठीक हैं? पहले बताएं. मैं ठीक हूँ. ठीक है, मोबाइल आ जाएंगे, प्लीज बैठे. लेकिन वो देखते हैं. आप बैठो. वेरी गुड.
I hope आपका फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड था और I'm अब सिम ब्लॉक करानी होगी as soon as possible उसका तरीका आता है? मरियम I'm really sorry तुम्हारे साथ ही हुआ. सर आप चाय के लिए आएंगे? नहीं नहीं thank you so much. Thank you for dropping me. No problem. खुदा हाफिज. अस्सलाम वालेकुम आपी. क्या हुआ आपी? इतनी घबराए भी क्यों आप? वो हया अम्मी और बाबा कहाँ हैं? आपे क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? हया मैं ऑफिस से घर आ रही थी, मैं कैब करवा रही थी नीचे खड़ी, वहां पे दो लड़के आए, मेरे मोबाइल मुझसे छीन के चले गए. आप तो ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे सारे कॉन्टेक्ट सारे डॉक्यूमेंट सब उस मोबाइल में थे. उससे तेल इन अपार्टमेंट्स के जंगल में कैसे रहते हो तुम? टेरेस से टेरेस मिला मैं, किसके घर में क्या चल रहा है सब पता होता होगा. मैं तो अभी तक ये सोच रही हूँ कि इतने छोटे से घर में तुम सब साथ रहते कैसे हो? और फिर तुम्हारी आपा और बहने, उन्हें तुम्हारी प्राइवेसी का बिल्कुल एहसास नहीं है क्या? मेरी आपी, आप ही ने माँ बन के पाला है मुझे, और मेरी बहन सजीला उससे छोटी वाली, उनके बगैर तो मुझे मजा ही नहीं आता. अजीब लॉजिक है, निकलो इस कबाड़ खाने से और अपग्रेड करो अपने लाइफ को. पैसा कुछ नहीं, सब कुछ होता है सकते हैं. जिस दिन ये फिलॉसफी समझ लोगे ना, उस दिन सब हासिल कर लोगे. सलाम साहब. सलाम. एक बात कहूं साहब? हाँ, आज तो तुम जो भी कहोगे मैं उसका जवाब जरूर दूंगा. साहब आज आप बहुत खुश लग रहे हैं और मुस्कुराते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं. मेरी दुआ है कि जो भी आपकी जिंदगी में ये खुशियां लेकर आए वो हमेशा आपके साथ रहे. थैंक यू, तुमने तो मेरा दिन बना दिया यार. अच्छा ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसको सोचकर अकेले में मुस्कुराते हो? हाँ है ना साहब, मेरा बेटा. एक्सीलेंट. और उस बेटे की माँ? वो तो जिंदगी के साथ है ना साहब, उसका हंसना रोना हमारे दुख सुख वो सब. और अच्छी बात है, जो आपकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं ना वो बड़े कीमती लोग होते हैं, उनके बिना जिंदगी नामुकम्मल होती है. ख्याल रखो अपने खानदान का. इंशाल्लाह. थैंक यू.